इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त होने का मतलब ये नहीं कि वह इस बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी रोजी रोटी इस बीमारी ने छीन ली है और अब उनके खाने पीने और रहने के भी लाले पड़ गए हैं। कोरोना के इस भयावह काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही है। वहीं कुछ लोग अकेले ही ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए निकल चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने दोस्तों के साथ लगातार ज़रूरतमंदों तक राहत पहुंचा रहे हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर सिडकुल की एक कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने अपने एक दोस्त के साथ निजी खर्चे से कोरोना वॉरियर्स की रात भर सेवा करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत युवाओं की टीम इस नाजुक दौर में ज़रूरतमंद गरीब और असहाय लोगों के साथ ही जानवरों को भी खाना खिला रही है। रुद्रपुर के ओमेक्स कॉलोनी में रहने वाले योगेश लांबा और उनके मित्र लोकेश प्रिंस और प्रभदीप सिंह शहर के आसपास के प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं और सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद देर रात 12 बजे से लेकर रात 3 बजे तक ये चारों दोस्त रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों और गली मोहल्लों में घूम घूम कर बेजुबान जानवरों की भूख मिटाने का काम करते हैं। अपने खुद के संसाधनों से भोजन तैयार कर ये दोस्त अपने वाहन में सवार होकर देर रात 12 बजे घर से निकल जाते हैं और सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान आवारा जानवरों की भूख मिटाने के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर ड्यूटी देने वाले कोरोना वॉरियर्स को भी ये दल भोजन और पेय पदार्थ मुहैया कराने का काम करता है। लोगों तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने वाले योगेश का कहना है कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी जीवन यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। समाज में पर्याप्त बुराई के खिलाफ एकजुट होकर इसे दूर करना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर संघर्ष करें तो उसका आना तय है। किसी कार्य के प्रति श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। आज हमारा मानव समाज एक अदृश्य बीमारी से लड़ रहा है। हमेशा की तरह ही हमारी ढाल बनकर हमारे चिकित्सक और सुरक्षाकर्मी हमारे जीवन को बचाने में जुटे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील पर मैं और मेरा मित्र राजकुमार पिछले 2 महीने से प्रतिदिन रात्रि को कोरोना वॉरियर्स की सेवा में जुटे हैं। मैं अपने निजी खर्च पर सभी सुरक्षा कर्मियों, चिकित्सकों और पुलिस फोर्स के जवानों को भोजन, चाय, नाश्ता कराने के साथ ही बेजुबानों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराने में लगा हुआ हूँ। आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने घर के आसपास ड्यूटी पर लगे हमारे योद्धाओं को सम्मान देने के साथ अपने स्तर पर उनकी सहायता करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संकट एवं विपदाओं से भयभीत न हों। मेरी निष्ठा हमेशा केवल अपने देश व मानव कल्याण के शुभ कर्मों के प्रति रहेगी। जब हम सभी ऐसी संकल्पनाओं के साथ जीवन जीते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अपने इसी हौसले के साथ योगेश और उनके दोस्त लगातार आमजन की सेवा में लगे हुए हैं। हम उनके हौसले का तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनकी ऐसी समाज सेवा के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारे सहयोगी भाई हैं जनता के, श्री योगेश लामा जी और राजकुमार जी। ये प्रतिदिन रात्रि में हमारे पुलिस बल को जो है चाय पानी की व्यवस्था और ताकि करते रहते हैं ताकि गश्त प्रभावी रूप से लगे रहे। और इसके अलावा इन भाई लोगों के द्वारा जो है ये कोरोना संक्रमण के क्रम में लगातार 2-3 महीने से थाना रुद्रपुर क्षेत्र तथा थाना टांजी कैंप क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि में हमारे पुलिस बल के को तथा जितने भी चौकीदार लोग हैं रात्रि ड्यूटी में रहते हैं उनको निस्वार्थ भाव से चाय की व्यवस्था करते हैं ताकि ये अपने कार्य में लगातार बने रहे। इनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। थैंक यू। योगेश लांबा जी हैं और ये राजकुमार जी हैं। इनके द्वारा पिछले 1 महीने से जब से मैं ड्यूटी पे हूँ ये रात में अपनी रात काली करके रात में उठ के यहाँ आके हमें चाय देते हैं, खाने को देते हैं, जो मतलब हमें रात में
नॉर्मल है कि भूख लगती है, तो जब हमें पीने का मन करता है तब ये हमें चाय और ये लाके मतलब ये बड़ी वो कर रहे हैं, हमारी सेवाएं कर रहे हैं। हम तो खैर कर ही रहे हैं पर ये हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमें तो सैलरी मिली है, पर इनको ये भी नहीं, कोई स्वार्थ भी नहीं है कि इनको सैलरी मिली है, ये मिली है, वो मिली है, फिर भी ये हमारी सेवा कर रहे हैं। बड़ा सराहनीय कार्य है इनके द्वारा ये किया गया जो कार्य है, बड़ा सराहनीय कार्य है। और आप तो सर जो आप बना रहे हैं, ये राजकुमार जी डेली लगातार निरंतर सेवा यहाँ पे लगे पड़े हैं। हो गया आप लोगों को राम राम जी। इस समय हमारे साथ राजकुमार जी और योगेश लांबा जी हैं, और ये लोग आज जब से COVID-19 स्टार्ट हुआ है तब से ये लोग अपने आवास विकास में अथवा बॉर्डर पे सबको समय से 4 बजे के आसपास में 4:30 बजे ये लोग चाय और चना लेके चलते हैं। जो भी राही मिल जाए, या बॉर्डर पुलिस हो या चौकीदार हो या कहीं भी जो भी राहगीर हो, सबको ये सेवा भाव से करते रहते हैं, और ये नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। आज 2 महीनों से ये इनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ सेवा की, और ये करते आ रहे हैं, ये जनसेवा निस्वार्थ कर रहे हैं। जबकि ये दिन में ड्यूटी भी करते हैं, रात में थोड़ा आराम भी करते हैं, और इसके बावजूद ये जनसेवा का भी कार्य कर रहे हैं। इनको बहुत बड़ी सुकून मिल रही है, और आध्यात्मिक उन्नति हो, जीवन में उन्नति हो, यही मैं कामना करता हूँ। योगेश लांबा और राजकुमार भाई बहुत बड़ी सेवा रुद्रपुर में कर रहे हैं। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये लोग चाय नाश्ता रोज़ाना तरह तरह के नाश्ते बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट, अस्पताल, चौकीदार सबके लिए ये प्रतिदिन सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। इनकी सेवा से सभी लोग बहुत प्रसन्न और सुखमय हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी जोगेश राम और की राजकुमार योगेश कुमार और रजेश जी भाई साहब, इन्हों की जदों का लॉकडाउन चलिया उदों तो लैके समझ लो कि निष्काम सेवा कर रहे हैं, पूरी मतलब अपने मन धन नाल सेवा कर रहे हैं। रोज़ाना मतलब कि जिन्हें भी साढ़े भरा ने सिक्योरिटी वाले होन या कोई भी है, पुलिस कर्मचारी ने, डॉक्टर हैं, या कोई भी रास्ते च मिलता कोई भैन भरा, तां भी ये पूरी मतलब सेवा कर रहे हैं तन मन धन नाल। हाँ जी, इन्हां नूं महाराज चढ़दी कला च खड़े, अगों भी मतलब कि इन्नी पब्लिक की सेवा करते रहन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।